क्या ये आपको पहले से पता था कि कच्चे पपीते में विटामिन बी एंड विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही बड़ों के पाचन क्षेत्र को भी ठीक करता है। अगर पाचन में कोई कमी है तो उसे भी बहुत परफेक्ट कर देता है। या फिर आप ग्लोइंग स्किन की इच्छा रखते हैं तो भी आप ये पपीता खा सकते हैं। लेकिन पपीते की रेसिपीज क्या बनाई जाए, क्योंकि नॉर्मल कच्चा पपीता खाना तो पॉसिबल नहीं होता, और ख़ासकर बच्चों को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो वो इजिली खा ले, क्योंकि बच्चे पपीता कभी नहीं खाते हैं। देखो, अब आप कहेंगे कि कच्चा पपीता तो दूर की बात, वो तो पका हुआ पपीता भी नहीं खाते, यानी कि पपीता एज ए फ्रूट भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पपीते से एक ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जिससे बच्चे इसको मांग मांग कर खाएंगे। और ये सरप्राइजली कुछ ऐसी ही रेसिपी है, जब मैंने इसको घर पर ट्राई किया था तो हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं मैंने सबको खिलाया, बड़े मज़े से खाए, किसी को पता ही नहीं चला कि इसमें पपीता है और ये पपीते से बनी है। इतनी टेस्टी बनी थी, बच्चों ने एज ए पार्टी प्लेटर होता है ना, उस तरीके से खाया। इसको आप कटलेट्स भी बोल सकते हो, मैंने इसका नाम दिया है पपीते की कटलेट्स, और ये काफ़ी टेस्टी हैं। आप बस एक शर्त है कि आप बच्चों को ये मत बताना कि इसके अंदर पपीते हैं, और देखना बच्चे ये ज़रूर कहेंगे कि मम्मा ये नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बनाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप इसको लंच में भी देना, क्योंकि हमारे घर में जितने बच्चे हैं सब ने यही कहा कि आप इनको लंच में क्यों नहीं देते हो, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लंच में दिया करो ना, कितनी टेस्टी है और कितना पार्टी टाइप भी लग रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई, अगर आप ही की ख्वाहिश है तो हम आपको ये लंच में भी देंगे। लेकिन उनको क्या पता कि जो ये बहुत ही मतलब चाव से खा रहे हैं उसमें पपीता है। तो बस यही शर्त है कि आप उसको ये बात बताइएगा कि इसमें पपीता है, और बस बच्चों को खिलाइए ये हेल्दी चीज़ें और उन्हें फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।